हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस का सब्जेक्ट चल रहा है दोस्तों। तो जैसे कि जानते हैं जो दोस्त पहले से मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे होंगे कि डेटा मॉडल्स के अंदर में लास्ट टाइम हिरारिकल डेटा मॉडल किया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है हमारा नेटवर्किंग डेटा मॉडल। ठीक है, या नेटवर्क डेटा मॉडल वो देखेंगे हम। अब हम करते हैं हमारा नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और समझाने में मजा आएगा। देखिए, समवर सिमिलर है हमारा हिरारिकल डेटाबेस मॉडल के अंदर के हिसाब से, बट और ये पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप को ही बताता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट किस वे में है। देखिए, बेसिकली पहले तो ये बताऊंगा कि जो इसके अंदर रिलेशनशिप होती है, लिंकेज होती है पेरेंट और चाइल्ड की, वो हम ट्री की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ट्री आपस में बहुत सारे जुड़ा होता है ना, बहुत सारी शाखाओं से ऐसे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके अंदर, एक मिनट रुक जाइए, इसमें हम अपसाइड डाउन ट्री स्ट्रक्चर बताते हैं कि हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं ट्री में। ठीक है, और इसके अंदर जो ब्रांचेस होती है वो बेसिकली रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है और हिरारिकल मॉडल से डिफरेंट कैसे समझे, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं बट एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट नहीं हो सकते, बट ये कंसेप्ट समवेयर थोड़ा सा मैच करता है समवेयर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड तो हो सकते हैं बट एक चिल्ड्रन के बहुत सारे पेरेंट भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बात बाप बेटे की नहीं है, बात ये है कि कम्युनिकेशन की, एक दूसरे से लिंकेज की, एक दूसरे से रिलेशनशिप की। ठीक है, कि जैसे एक स्टोर, जैसे समझ लीजिए पेरेंट है। ठीक है, मैंने फोटो में दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है डायग्राम में कि ऊपर हमारा स्टोर है, वो एक पेरेंट है अगर हम हिरारिकल मॉडल देंगे, और नीचे वाला एक एग्जांपल है सेल्समैन है। ठीक है, तो या मैनेजर ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि एक मैनेज एक मतलब एक स्टोर जो पेरेंट है उसका सिर्फ एक ही फादर हो, एक ही चिल्ड्रन होगा, बहुत सारे चिल्ड्रन जैसे मैनेजर कस्टमर सेल्स है, बट यहाँ पे ये नहीं है कि एक मैनेजर के बहुत सारे चिल्ड्रन फादर नहीं हो सकते, हो सकते बहुत सारे हो सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम और भी एग्जांपल लेंगे, बट इसमें बात है कम्युनिकेशन की कि उनका एक से ज्यादा के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर है, ऑर्डर के देखा जाएगा तो पेरेंट बहुत सारे हैं हमारे पास, कस्टमर भी है, मैनेजर भी, सेल्समैन भी, क्योंकि ऑर्डर कस्टमर मैनेजर सेल्समैन से लिंकेज है, उनके साथ उसका रिलेशन है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा बेसिकली नेटवर्क मॉडल, जहां पे कम्युनिकेशन एक का बहुत सारों के साथ होता है, बहुत सारों का बहुत सारों के साथ होता है, इसलिए इसे हम मैनी टू मैनी भी रिलेशनशिप कहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे रिलेशन होते हैं आपस में। ठीक है, एक दूसरे के साथ उनका आपस में कम्युनिकेशन होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो होता है ना नेटवर्क मॉडल, ये लार्ज डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन एक दूसरे का किसी के साथ भी बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, अब जैसे कि नेटवर्क डेटा मॉडल होता है बेसिकली कोब वेब की तरह लुक करता है, या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स जो होते हैं हमारे उनकी तरह लुक करता है। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, ये देखिए, छोटा सा डायग्राम को छोटा सा कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, अभी भी नहीं आया डायग्राम के अंदर, ये लीजिए, ये डायग्राम है हमारा। ठीक है, इसको अगर देख लीजिए, नीचे हमारा डेटाबेस है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। इस डायग्राम के अंदर मैं बताऊंगा कि एक नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कैसे काम करता है या नेटवर्किंग कैसे काम करती है। यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों मैं इस चीज का कि हमारे पास दो बंदे हैं जो एक पीसी यूज कर रहा है, ठीक है, और एक पीडीए या क्लाइंट यूज, पीडीए क्लाइंट है जो मोबाइल यूज कर रहा है, जो पीडीए होते हैं हमारे डिवाइसेस, वो लगा लीजिए। ठीक है, टॉपिक ये है कि नेटवर्किंग के अंदर सपोज कीजिए मुझे बिल भरना है बिजली का। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो एक यूजर मोबाइल या लैपटॉप यूज करके कर रहा है और यह एक पीडीए डिवाइस करके यूज कर रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे है या कैसे नेटवर्किंग काम करती है। देखिए, पहले किसी मोबाइल वाले ने या पीडीए वाले ने दोनों ने खट्टी रिक्वेस्ट भेजी है कि उन्हें बिल भरना है, उन्होंने अपनी एंट्री डाली पहले कि नाम क्या है और बिल का नंबर क्या है, वो डाल दिया सपोज कीजिए। अब जहां पे भी उन्हें लॉगिन करना है तो पहले वो जाती है फायरवॉल के पास, जो हमारे नेटवर्किंग में होते हैं। फायरवॉल ये चेक करते हैं कि जो डेटा उसने इंसर्ट किया वो लीगल है भी या नहीं है। दूसरी चीज वो ये चेक करते हैं कि सही बंदे ने डाला है या नहीं डाला, कोई अपना नाम लॉगिन आईडी डालेगा वो सही है या नहीं, तो समझो वो भी चेक करना कि उसको ऑथराइजेशन है या नहीं इन चीजों की। वो चीज चेक क्या होती है दोस्तों, फायरवॉल पे होती है कि उसकी जो एंट्रीज आई है वो चेक होती है, कोई वायरस तो नहीं है, पहले ही देखा जाता है कोई मतलब मैलवेशियस अटैक तो नहीं है जो हमारे वायरसेस के अंदर होते हैं कुछ भी, तो इन चीजों को चेक करने के लिए फायरवॉल लगाया जाता है। अब फायरवॉल हमारा कोई हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है, बट बात है यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है हार्डवेयर। जब यहां से इसको क्लियरेंस मिल जाएगी मोबाइल वाले को, पीडीए वाले को, तब हमारा डेटा आगे फॉरवर्ड होता है वेब सर्वर के पास। ठीक है,
वेब सर्वर पे आने के बाद वो चेक क्या करता है, हमारे पास देखिए पीछे ये चेक हुआ कि हाँ ये बंदा सही है, ठीक है, बट यहाँ पे वेब सर्वर ने ये चेक करना कि पीछे वाला बंदा क्या डिमांड करना, उसने बिल भरना है, बट उसका बिल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वेब सर्वर ने ये चेक किया भाई पहले से पेड है या अभी इसका जनरेट ही नहीं हुआ, वो ये बताएगा यहाँ पे। वेब सर्वर ने क्या किया, पीछे से जो भी हमारा रिकॉर्ड आया ठीक है उसको देखा, वो वेरीफाई तो हो गया, बट उसको ये चेक करना कि एग्जैक्टली जो वो डिमांड कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, कि बिल जनरेट, वो बिल भरना चाहता है बट उसका बिल तो जनरेट ही नहीं हुआ, वो ये देखेगा यहाँ पे वेब सर्वर, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे आई। नेक्स्ट, जब यहां से चीजें अगर बिल उसका जनरेट हो चुका तो आगे कहां जाएगा दोस्तों, एप्लीकेशन सर्वर पर जाएगा। यहाँ पे देखिए वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर दोनों कंबाइनली भी ले लीजिए, क्या होता है देखिए मोबाइल वाले ने जो रिक्वेस्ट भेजी, देखिए हर डिवाइस का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है, आपके पास सपोज कि जब क्रिकेट देखते होंगे यूट्यूब देखते होंगे तो आपके मोबाइल पर आपने देखा होगा कि अलग तरीके से खुलता है, उसका लुक जो होता है वो अलग होता है, उसके फीचर समवेयर अलग होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, एक लैपटॉप में खुलता है तो ब्रॉड खुलता है और उसके हिसाब से उसके फीचर्स अलग होते हैं, ठीक है ना। तो मोबाइल वाले को मोबाइल के हिसाब से डेटा कन्वर्ट करके दिखाना है, हमें लैपटॉप वाले को पीसी वाले को उसके हिसाब से डेटा कन्वर्ट करके दिखाना है, तो वो कहां पे जाके कन्वर्ट होता है हमारा, वेब सर्वर पे या एप्लीकेशन सर्वर पे लगा लीजिए समझे एग्जैक्टली, ठीक है। पहले वो चीज में फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, उसकी रिक्वेस्ट बन गई है, वो रिक्वेस्ट कहां जाएगी अब दोस्तों, हमारी रिक्वेस्ट जाएगी आगे हमारे डेटाबेस के पास जाएगी, ठीक है, ये जो डेटाबेस लग रहे वहां जाके चेक होगी कि एग्जैक्टली उसका अमाउंट क्या था, बिल का जो जनरेट हुआ क्या, टाइमिंग है, जो भी डेटाबेस में जो भी उसकी एंट्रीज पड़ी है वो निकल जाएगी, अब वो आएगी आगे सिस्टम के पास, ठीक है। अब वो आगे जाती है दोस्तों एमवीएस, ये एक ऐसा डिवाइस है समझ लीजिए, जब इसके पास डेटा आ गया तो ये एक पेमेंट गेटवे ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। पेमेंट गेटवे ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ, उसका एक लिंक बनाता है कि भाई यूजर ने कहा कि मेरा उसको अमाउंट पता चल गया, अब उसने उसको रिक्वेस्ट भेजी कि तुम्हारा अमाउंट दिख गया तुम्हें, तो यूजर कहेगा भाई मुझे अब सपोज कीजिए पेटीएम से पे करना है, लेटेस्ट जो चल रहा है हमारा पेटीएम चल रहा है या एसबीआई के जो चलते हैं आईसीआई के जो ऑनलाइन बैंकिंग होगी ये उससे उसे पेमेंट करनी है, ठीक है। तो पेमेंट के लिए एक गेटवे को ऑर्गेनाइज करेगा या उसको जो उसके साथ लिंकअप है उसका कम्युनिकेशन बनाएगा कि भाई पेटीएम से पैसे पैसे डालने हैं सपोज कीजिए मोबाइल लैपटॉप वाले को और पीडीए वाले को ऑनलाइन बैंकिंग के डालने, तो इन दोनों के लिए डिफरेंट गेटवे ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि इन दोनों का कम्युनिकेशन हो सके, पेटीएम वाले का पेटीएम से हो सके और हमारा नेटवर्किंग वाले का ऑनलाइन बैंकिंग वाले का ऑनलाइन बैंकिंग से हो सके, मतलब उनके बेसिकली ये लगा लीजिए उनके डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा एमवीएस वाला गेटवे के थ्रू कि भाई ये पैसे पे करना चाहता तो जाइए, कि भाई मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है, ये बंदा है ये ऐसे पे करना चाहता, तो इनका कम्युनिकेशन होगा, वहां से पेमेंट की ऑथराइजेशन होगी कि हाँ पेमेंट सही, बंदा सही है, पेमेंट इतनी कर रहा है सही है नहीं है, जो भी है सब वेरीफाई होने के बाद, पेमेंट होने के बाद वापसी ये जो होता है डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा और वापसी एप्लीकेशन सर्वर पर जाएगा। एप्लीकेशन सर्वर पर क्या होगा दोस्तों, देखिए पहले क्या हुआ कि ये सपोज कि एक डिवाइस मोबाइल फॉर्मेट में, तो वापसी ये किसी और फॉर्मेट में समझता है, देखिए डिवाइस जो लगे एमवीएस है डेटाबेस है वो अपने फॉर्म में समझते हैं, मोबाइल वाले ने अपने फॉर्म में भेजा, लैपटॉप वाले ने अपने फॉर्म में भेजा, अब ये अपने फॉर्म में जैसे डेटा को समझते हैं वो तो समझ गए, अब उसे किस फॉर्म में दिखाना है, मोबाइल वाले के हिसाब से दिखाना है, लैपटॉप वाले के हिसाब से दिखाना है, पीडीएफ वाले के हिसाब से दिखाना है, तो इसने क्या किया उसको एप्लीकेशन और वेब सर्वर पर जाके उसको चेंज किया, उसके फॉर्मेट को चेंज किया, क्योंकि मोबाइल वाले को तो मोबाइल के हिसाब से दिखाएंगे, लैपटॉप वाले को लैपटॉप के हिसाब से दिखाएंगे, वो चेंज हो गया यहाँ पे। चेंज होने के बाद फायरवॉल से होता हुआ ये इनको डिस्प्ले हो जाएगा, मोबाइल वाले को मोबाइल पे, पीसी वाले को पीसी पे और पीडीएफ वाले को दोस्तों पीडीएफ पे। तो ये था दोस्तों इस तरीके से हमारा एक नेटवर्क, देखिए आपने कि किसी का भी किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया हुआ कोई फिक्स नहीं था, बट कैसे कम्युनिकेट हुआ एक दूसरे के साथ, कैसे जुड़े हैं वो हमने देखा मेन, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा नेटवर्क मॉडल। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से डिवाइस करता हूँ जल्दी से, देखिए नेटवर्क मॉडल के अंदर हमने क्या देखा कि रिलेशनशिप कैसे होता है, कि हायरार्किकल वे में ही होता है, पेरेंट टीचर फॉर्म में ही होता है, ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, बट हल्का सा डिफरेंस होता है, वो हमने देखा कि किसी का भी किसी का कम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि नेटवर्किंग में बंधे हुए हैं, नेटवर्किंग में बंधे होने की वजह से इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया है, एक कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे कि एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जो एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बताया पहले तो मैंने, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में मैंने ये देखा कि जो मैंने पेमेंट करवानी थी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की, इसमें दो चार यूजर बैठे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस लेके, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, फायरवॉल से गए,
फायर वॉल से उनकी जो रिक्वेस्ट थी रिफाइन होते हुए आगे वेब सर्वर पे गई, फिर आगे एप्लीकेशन सर्वर पे गई, फिर डेटाबेस के अंदर उसको प्रोसेस किया गया, वहां से डेटा को निकाला गया, आगे वो फॉरवर्ड हुई एमवीएस में, एमवीएस ने एक पेमेंट गेटवे को ऑर्गेनाइज किया, उनकी कम्युनिकेशन बनाई और आगे जाके उनकी पेमेंट जब होती है तो दोबारा से वो फर्दर डेटाबेस से होती हुई, एप्लीकेशन सर्वर से होती हुई, वेब सर्वर से होती हुई, फायरवॉल से होती हुई मोबाइल और पीसी वाले को दिख जाती है। ये था दोस्तों हमारा बेसिकली नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट डे ट्यूटोरियल दोस्तों हम बेसिकली इनका डिफेंस करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे कि हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनशिप मॉडल में, रिलेशनल मॉडल में क्या डिफरेंस है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पीछे पेपर्स चेक किए थे उनके अंदर ये आया हुआ था, तो मैंने सोचा करवाना बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, बाय।